ये वाला रास्ता ही है शायद। चलो चलते हैं, देखते हैं सामने जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम निकल रहे हैं, जा रहे हैं एक जगह जो सही तरीके से मुझे भी पता नहीं है एक्चुअली। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला है कि वहाँ पे कुछ एक मंदिर है, तो वहाँ पे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या है। एक्चुअली अभी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे भी उतना कुछ पता नहीं है। जाने वाला था 7 बजे बट अनफॉर्चुनेटली लेट हो गया, अभी करीब 10 बज रहा है। क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से करीब करीब 10-15 किलोमीटर होगा। जहाँ पे जा रहे हैं उस जगह का नाम श्रीकोना है, और श्रीकोना से लेफ्ट हैंड साइड में घुसना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे चल के आपको दिखाते हैं कहाँ पे जाना पड़ता है और कैसे जाना पड़ता है। ये जगह हमेशा जाम रहता है, हमेशा भीड़ रहेगा, संडे हो मंडे हो, एवरी डे 24/7 भीड़ रहता है। 24/7 नहीं बोलूँगा, रात को खाली हो जाता है, पर दिन में हमेशा भीड़ रहता ही है। म्युनिसिपालिटी वाले लोग सुबह सुबह कुछ नहीं कर सकते, 10 बजे के बाद करेंगे जब सब लोग घर से निकल जाते हैं। यार कचरा उठाना ही है तो सुबह सुबह उठाओ ना, ये लोग तो करेंगे नहीं। हम तो मुझे पता है ये वाला रास्ता ही है शायद। चलो चलते हैं, देखते हैं सामने जाते हैं। ভাই এখানে ঝর্ণাটা কতটুকু দূর সামনে আর একটা মন্দির আছে না কেটা নুনগুলি না কেটা ভিতরে নেই বাইক যাইব তো সামথিং কুছ নলেজ সিটি কা বোর্ড তো লাগাযা হুয়া হ্যায় বাট ইসমে কুছ নলেজ ওয়ালা চিজ তো মে দেখ নহীঁ রহা হুঁ পতা নহীঁ অন্দর মে শায়দ কুছ হোগা শায়দ সে কুছ নয়া কনস্ট্রাকশন চল রহা হ্যায় কুছ নয়া কুছ বন রহা হ্যায় যাইব নি বাইক ওই লিখে যাইব বহুত খারাপ রাস্তা থোড়ে জগে কে লিয়ে ইয়ে জ্যাদা দূর নিয়ে
और अंदर जाना है, मंदिर तो पास में है शायद और दूर है। ये झरना नहीं होगा, झरना थोड़ा बड़ा था, ये तो छोटा सा ही है। ये झरना, इसको झरना बोलने से भी शर्म आती है। चलो अंदर चल के देखते हैं क्या है। দাদা এখানে মন্দিরটা কতটুকু ভিতরে? ওই যে কিতা একটা জল ইয়োতে 1 কিলোমিটার হইতো না। কিতা নাম মন্দিরটার? বিষ্ণু মন্দির। অভি অভি মুঝে পতা চলা কি ও এক বিষ্ণু মন্দির হ্যাঁ আর ওহাঁ পে শায়দ কুছ পানি কা জগা হ্যাঁ জহাঁ পে পানি উবলতা হ্যাঁ। तो जाके पता चला क्या क्या है। मैं भी घर से ही सुन के आया हूँ कि वहाँ पे पानी वाला कुछ सीन है जहाँ पे पानी उबलता है। कभी जाऊँगा तभी पता चलेगा, उससे पहले तो कुछ बोलना पॉसिबल नहीं है। हालत खराब, जूता खराब हो गया। शायद हम लोग लगभग पहुंचने वाले हैं। वो सामने कुछ दिख रहा है, वो शायद होगा, पता नहीं क्या होगा। हम लोग पहुंच गए विष्णु मंदिर। इसका नाम मूंगफली समथिंग कुछ बोलता है, प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली लोकल पीपल बहुत अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। बहुत ही उतार चढ़ाव था, ऊपर चढ़ा फिर उतरा, चढ़ा फिर उतरा। फाइनली वी आर इन आवर डेस्टिनेशन। Hmm.
मंदिर कुछ ऐसा नहीं है एक्चुअल पे, वहाँ पे विष्णु भगवान का और शिव जी का मूर्तियाँ वगैरह रखा हुआ है, शिवलिंग रखा है। पता नहीं, लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे पानी कुछ उबलता है, बट मुझे तो ऐसा कुछ सीन दिख नहीं रहा है। बहुत ही जंगल के अंदर है ये। तो दोस्तों, सीन ऐसा है कि मैं जो सोच के गया था वहाँ पे ऐसा तो कुछ मिला नहीं। एक जंगल के अंदर छोटा सा एक मंदिर भी नहीं है, वो विष्णु जी भगवान का मूर्ति रखा हुआ है और एक शिवलिंग रखा हुआ है, तो आप लोगों को दिखाने लायक कुछ है नहीं। फिर भी मैंने थोड़ा सा फुटेज ऐड कर दिया है, शायद आप लोग एंजॉय करेंगे उसको देख के। और अभी मैं रिटर्न हो रहा हूँ और रास्ता भी बहुत ख़राब था, पूरा कीचड़ से एकदम लग रहा है कि नहा लिया हूँ। तो अभी जा रहा हूँ घर रिटर्न, और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए और आप लोग सबसे पहले देख सकें। और मेरा कोशिश हमेशा यही रहता है कि आप लोग को कुछ यूनिक सा नया सा चीज़ दिखाऊँ। तो फ्यूचर में ऐसा कुछ है नहीं दिखाने लायक, फिर भी मैं कोशिश करता रहा हूँ कि आपको दिखाऊँ अच्छा सा। देखता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में क्या दिखा सकता हूँ आप लोगों को। तब तक के लिए हेलो ठाकुर, सुस्त ठाकुर।